अस्सलामुअलैकुम। मुझे यकीन है कि आप सब बिल्कुल खैर व खैरियत से होंगे। भूल गया मैं नाश्ते की वीडियो बनाना, व्लॉग जो है वो चाय पीने से शुरू कर रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा था और रास्ते में जो ये इस मौसम में जो नज़ारे होते हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं। वीडियो को एंजॉय करें और आगे देखते जाएं। ज़िंदगी भी इशारे की तरह होती है, वो हमें इशारे देती है कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे आपको चलना है। सो ज़िंदगी के इशारों को समझा करें और जहाँ पे रुकना हो वहाँ पे रुक जाया करें और जहाँ पे चलना हो वहाँ पे चला करें। शेरवानी डेंटल एसोसिएट, ये मेरे सर हैं, डेंटिस्ट हैं, उनका ये क्लिनिक है, तो मैं उनसे मिलने के लिए आया हुआ हूँ। तो नेक्स्ट फिर देखते हैं, बताता हूँ आपको। फिर सर से मुलाकात हुई लेकिन अंदर वीडियो नहीं बना सका मैं, कुछ पेशेंट भी थे और गेस्ट भी आए हुए थे। ओल्ड टाउन में हॉस्पिटल है सर का, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आया मिलके। तो जस्ट मैं घर आया हूँ, देखते हैं घर में क्या बनाए खाने का, भूख बहुत लग रही है, उसके बाद करते हैं बात। कबाब कढ़ाई बनी हुई है, बहुत ही मज़े की लग रही है, तो इसको खाते हैं और देखते हैं साथ रोटी है या फिर नान है। साथ नान है, चलें इसको गर्म करते हैं और खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। खाना मैंने खा लिया, अब मेरा ग्रीन टी का दिल हो गया, ग्रीन टी पी जाए, पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। एनीवे अपनी ग्रीन टी बनाते हैं। ग्रीन टी इसका प्योर ग्रीन ही पसंद है, बाकी इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं लेकिन प्योर ग्रीन इज़ बेस्ट। जी जनाब, माय ऑडियंस, रास्ते में जब इंसान जा रहा होता है तो थोड़ा सा ज़रा फील करता है, देखता है चीज़ों को, तो मैं भी काफ़ी कुछ चीज़ें नोट करता हूँ क्योंकि आजकल ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। आप देखें ना, रास्ते में अपने सारी वीडियोज़ ये देखी हैं, गहमा गहमी हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह तो नहीं होती कि कौन कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, सिवाय आपके घर वालों को। तो बेहतर यही है कि जो अपने 24 घंटे हैं उसको अच्छे तरीके से गुजारें। बाकी कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो चाह रहा होता है कि हो जाए। मैं भी जैसे चाह रहा हूँ कि ये चीज़ हो जाए, ये हो जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो हर चीज़ वक्त पे मिलती है और हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है और नसीब की बात है। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। सर सलामत हो, चीज़ें बहुत, बाकी खुश रहें, जो चीज़ आपके पास है आप उसमें खुश रहें और अपने दिलों को साफ रखें। ऑफ कोर्स कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का, बाकी अगेन के अपना एंड अच्छा रखें, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे एक चीज़ समझ आई है वो ये है कि अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूंगा तो मेरे साथ अच्छा होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। मुझे अगर मैं किसी और के लिए दुआ मांगूंगा तो मुझे अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आसानियां पैदा करूंगा तो मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी जाएंगी। बाकी आपने देखा मेरा व्लॉग आज का, व्लॉग अब जब कोई चीज़ होती है ना करने के लिए तो मैं वो आप लोगों को दिखाता रहूँगा। रास्ते में फिर ट्रैफिक भी थी, फिर मेरा कहीं रुकने को दिल किया लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ खाता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी मैंने कुछ खाने की, मेरा दिल भी था लेकिन मैंने कहा चलो घर, अब अम्मी ने कहा कि घर का खाना खाएं, घर खाना बना पड़ा है, तो फिर मैंने इसलिए घर आके आपको दिखा दिया जो मैंने खाया है। तो इन्जॉय किया करें, जैसी भी वीडियो होती है आप लोगों के लिए बनाता हूँ मैं, इसको इन्जॉय किया करें। और अभी ये ग्रीन टी पी रहा हूँ मैं। अपने लाइफ में जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको इन्जॉय करें, आने वाले कल की फ़िक्र छोड़ दें, वो अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह खैर करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया है, जैसा भी पसंद आया है, जैसा बना रहा हूँ, अभी ग्रोइंग स्टेज में है, बिगनर हूँ मैं अभी, तो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगेन लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चीज़ तो मैं रास्ते में दिखाना भूल ही गया आप लोगों को, जो मेरी मदर और सिस्टर्स मेरा व्लॉग देख रही हैं तो उनको तो ये चीज़ बहुत पसंद आएगी, तो एंजॉय करें, खुश रहें।